Yes, my dear students, I think you will be okay at your homes. So, kal usne padhe ho se position vector, and related to position vector, we had solved some problems. So, let's start with a new topic. New topic is very important one, resolution of a vector into its rectangular components. इन टॉपिक पढ़ने का पोसा लाइक थींदा से तो हेड़े किस्म जो प्रॉब्लम हल करे सकूं वरी एक नौ चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर यू अगे में बुधाई था बाद में पढ़ूं था रिवीजन कयूं था ए रेजोल्यूशन कंपोजिशन समझण का बाद में अगेन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हिच वन सपोज द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस आर The components of A vector are given. If the components of A plus B means a sum of two vectors, means a new vector, C means resultant vector, A plus B. A plus B जो को resultant vector है, उनमें जा components हैं 10 and 14. But you have to find the vector B. It means B vector जो को unknown आ रही थी, लिखे लाए, but not given. You have to determine the components and the magnitude of the B vector. So let's start. First of all, a resolution of a vector into its rectangular components. In the case samjhan lai taake ma budhayo hoyo to waqi ek vector jeko bhi hundo wo resolve thi vendo a ek jeko bhi vector padhaun tha un jo jeko space a ya plane me hoje plane jo matlab 2 dimensions me a space jo matlab 3 dimension me a par jade bhi ek vector kahe bhi jaye te exist kare to मिलेगा है तो इन जो इफेक्ट ब या बिन का वधिक कंपोनेंट्स में विरह जी सज्जन था वाकई वेक्टर डिवाइड भी थींदो है उन जो असर डिवाइड थींदो है या न तो लेट्स सी तो असन जो टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नॉट इनटू अदर कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दोस कंपोनेंट्स हैविंग 90 एंगल बिटवीन देम आर सेड टू बी rectangular components the iso resolution waqai thindi hai tene lai asa pehre first of all definition tangna tha budhayu par first of all asa ne samjha its example to waqai life mein resolution thi rahi hai ya na wo ek nanno misal ta ke class mein din hoyo the suppose there is a toy car and toy car is pulled by a boy by applying a force of suppose 10 newton at an angle of suppose 40 or 30 degrees okay so a boy is pulling a cart with a force of 10 newton and making an angle of 30 degree with the x axis so this one is the given vector this one is the applied force पर ताकि खबर आ या टॉय कार्ट जेका आहे वो हवा में नहीं दिया अलोंग द फोर्स डायरेक्शन मूव नथी दिया या टॉय कार जमीन ते मूव थी दिया हॉरिजॉन्टली सो हाउ व्हाई इट इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल व्हाई इट इज नॉट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड सो द मैजिक बिहाइंड दिस इज दैट द फोर्स इज रिजॉल्वड इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स व्हिच रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो हाँ चवे ये फोर्स असल में मिलल पर इन जो इफेक्ट विरहज वे तो छो तो यह फोर्स एक एंगल चाहे थी अगर यह कंप्लीट फोर्स इतने हो तो दैट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस टॉय कार बट नो अगर एंगल जीरो हो तो कंप्लीट फोर्स रेस्पॉन्सिबल हो पर हाँ ना यह फोर्स कुछ न कुछ कंपोनेंट्स में विरहजे थी इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसो किए फाइंड आउट करे वठंदा हो द सिंपली ता एकरो वेक्टर ड्रा कंदा हो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिन के सजे सगोदा फोर्स जो पैरेलल कंपोनेंट मींस अलोंग हॉरिजॉन्टल जो कंपाउंड हो जे इने के ता पैरेलल कंपाउंड चई सगो था त हिन वेक्टर जो बेस वारो कंपाउंड आ एंगल हेडम वेयर थेला चई सगो था त हिन वेक्टर जो यो एक्स कंपाउंड आ सो आई कैन से दिस इज पैरेलल कंपाउंड और दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपाउंड और एक्स कंपाउंड ऑफ दिस फोर्स तो ये क्लोज आया थी पे वरी ते बियो कंपाउंड टाइम था हिने सागर तो हाने ता चंदो ही ब कंपाउंड सेड़ा ठई पे जेके वेक्टर खा सिमिलर आहेन बट दीस आर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बिकॉज़ दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर सो दीस आर टू कंपाउंड्स
अच्छा हिन के चंदो पैरेलल कंपाउंड बेस वारो कंपाउंड हॉरिजॉन्टल कंपाउंड जे अपोजिट साइड वारे के चिबो परपेंडिकुलर कंपाउंड इन के सबवा वर्टिकल कंपाउंड इन के सदे सगोदा कंपाउंड ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस सो एफ वाई सा वी डिनोट करे सगो था इट्स ओके ओके हॉरिजॉन्टल कंपाउंड माना नाला ताई वधी के बुधाया हिय लिखो इन के ता वर्टिकल कंपाउंड लिखो यस इट्स राइट समटाइम्स वी यूज हाने ताचुंदो दिस कंप्लीट फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू कंपाउंड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दिस इफ 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 दिस एंगल इज लेस देन 45 जदे भी एंगल 45 को लेस हुंदी जे हते गिवन आ त हिकरो फैक्ट याद रखो त ताके नजर पे ता अचे तो फिगर मा ग्राफिकली तो एक्स कंपोनेंट इज ग्रेटर देन वाई कंपोनेंट parallel compound is greater than perpendicular compound very important fact in abc ke yaad rakhanda vanyo to then resolution becomes very easy theek hai to ekda facts asange milan tha inake yaad karna alam you can say the x component is greater than y component of the force or vector force misal tor khaywa kedo vector thi sake to acha agar ya angle theta 45 ना हो जिया पर इक्वल टू 45 हो जिया सपोज के ये एंगल 45 हो जिया तो ता पान घर ड्रा करे सको था एक्स एंड वाई कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर यस यू आर राइट इक्वल टू ईच अदर तो 45 एंगल ते बोथ कंपोनेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रेजोल्यूशन तो ता चंदो थर्ड फैक्ट भी हो जान खपे इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 हो जे हाँ बार हिते फोर्स लगाए तो एंगल 30 दे 45 का घट थे तो ऐसो हॉरिजॉन्टल कंपाउंड वधी का वर्टिकल कंपाउंड घटा तो ये गाड़ी हले भी कह रही थी हॉरिजॉन्टल हलांग एक्स एक्सिस पॉजिटिव राइट तो ना मतलब एक्स कंपाउंड इज वाकई ग्रेटर देना है वाई कंपाउंड दैट्स वाई दिस इज मूविंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सबूत भी मिली हो और वाकई गाड़ी हलंदी फर्श से पर जदे धागे की एंगल 45 का घट हुंदी आ पर बार वेजो अची हिते पो फोर्स लगाए वेजो अची फोर्स लगाए ने मतलब आ एंगल विल बी ग्रेटर देन 45 जदे 45 को ग्रेटर थी तो एक्स कंपाउंड विल बी वेरी सिमिलर वाई कंपाउंड विल बी ग्रेटर यस व्हेनेवर द एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन एक्स कंपाउंड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वर्टिकल कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट are y-axis compound so these are the very important facts when the facts je bare mein budhande budhande ta yo bhi samjhiyo to waqai ek vector jo asar bin hissan mein viraji vendwa and these are known as the rectangular components so now we can define the resolution of a vector into its rectangular components ta haane ta chai sako ta the resolution bina mana virasat डिवीजन एक वेक्टर जो स्प्लिट अप थे ब्रेकअप थे तो वाकई एक वेक्टर ब्रेकअप थी सके तो बिन कंपाउंड्स में ताजो तो थी सके तो वरी बाई कंपाउंड्स जोड़ के तो वेक्टर भी ठई सके तो इन्हें अगते पढ़ाऊंगा दैट इज नोन एज द कंपोजिशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेजोल्यूशन तो हाँ रेजोल्यूशन के तुम डिफाइन क्लास में भी कह होते वरी बीयर रिवीजन कई से हाँ दिसो द वर्ड इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो यू कैन से when a vector is resolved or break up or split up into two rectangular components then this whole process is known as resolution of a vector into its rectangular components very clear ta vate ek vector resolve thindo हाँ इन्हीं गाल के अगते पढ़ा था इन्हें जो मैं बियो मिसाल भी तां के लाइफ मानिया तो अगर तां जमीन ते पैर रखी करे घुमंदा आयो तो असल में ऐसा पैर ऐसा जोर जेका फोर्स अप्लाई करना हो इन दिस डायरेक्शन पर ऐसा मूव ही न थी ना ऐसा मूव हॉरिजॉन्टल ही थी ना व्हाई व्हेन एवर वी अप्लाई फोर्स ऑन द अर्थ ड्यूरिंग वॉकिंग अगेन दिस फोर्स इज डिवाइडेड इंटू टू रेक्टेंगुलर components this is walking our walking is also an example of the resolution pulling of toy car is also an example of resolution climbing on the stone or the uphills is also an example of the resolution
ये रेजोल्यूशन थींदी आहे जॾहिं बि फोर्स कंहिं एंगल ते एक्ट करे. हाणे तव्हां चवंदो वी अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो हाउ इट इज़ डिवाइडेड इन टू टू कंपोनेंट्स, देन यू विल से त तव्हां चवंदो हे एक्शनल फोर्स आहे, तव्हां चवंदो दिस वन इज़ द रिएक्शनल फोर्स आहे. त हाणे तव्हां चवंदो एंगल जो मतिलबु आहे त हे ॿिनि हिसनि में विरिहाइजी वेंदी, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अगर एंगल असां हिन पासे खां मेयर कयूं था त तव्हां हिनखे तव्हां चवंदो बेस वारो कंपोनेंट, हिनखे सरींदो परपेंडिकुलर वारो कंपोनेंट. वरी तव्हां चवंदो हिन वेक्टर जा ॿ हिसा त हिन रिज़ल्ट रिएक्शनल फोर्स जा बि थी वेंदा ॿ हिसा, हिन रिएक्शनल फोर्स जा बि ॿ कंपोनेंट थी वेंदा ओढ़ाई. हाणे तव्हां चवंदो रिएक्शनल फोर्स हे आहे पर उनजा ॿ कंपोनेंट्स नी, दिस वन इज अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस वन इज अलॉन्ग वर्टिकल कंपोनेंट. हाणे जॾहिं असां हलंदा आहियूं त असां जेको हे वर्टिकल कंपोनेंट मां हिते ड्रॉ कयो या हिते, त दिस वर्टिकल कंपोनेंट हेल्प्स अस टू बैलेंस ऑन द अर्थ. जॾहिं घुमंदा आहियूं त असां किरंदा बि न आहियूं, छो त असांखे वर्टिकल फोर्स जी बि ज़रूरत हूंदी आहे बैलेंस थियण लाइ. पर असां अॻिते बि वेंदा आहियूं छो त असां पेर सां फोर्स पोइते लॻाईसीं त रिएक्शन असांखे अॻिते ॾिसो, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड जो रिएक्शनल, वर्टिकल कंपाउंड जो हे रिएक्शनल. त ॾिठो त तव्हां हर फोर्स ॿिनि हिसनि में विरिहाइजे थी. पोइ हे हॉरिजॉन्टल कंपाउंड जेको रिएक्शनल आहे असां पोइते फोर्स लॻाईसीं, पर एक्शनल वारी ऐं हे रिएक्शनल वारी फोर्स आहे. इहा रिएक्शनल फोर्स असांखे हेल्प कंदी आहे टू मूव फॉरवर्ड, एंड वर्टिकल कंपाउंड हेल्प कंदो आहे असांखे टू make ourselves balance on the surface of earth. So vertical component helps us to balance and horizontal component makes us to walk on the surface of the earth. So our walking on the surface of earth is an example of the resolution, because during this application of the force, this force is being divided into two parts, one is horizontal, other is vertical. So again this is resolution. हाणे हिन रेज़ोल्यूशन खे ॾिसूं था त हिन जा फॉर्मुला कहिड़ा नी, एक्स कंपोनेंट वॾो आहे, वाई कंपोनेंट नंढो आहे, इहो ग्राफिकली त असां चयोसीं, बट सर प्रूव दिस एनालिटिकली त ॾिसूं हिन जा कंपोनेंट्स कहिड़ा नी. सी Yes, my dear students, these were the examples of resolution. Concept ॾिनो तव्हांखे, हाणे असां अचूं था हिन डेरिवेशन ते. क्लासेस में तव्हां पढ़ी बि आया आहियो त सपोज वी आर कंसीडरिंग अ वैक्टर इन अ प्लेन. इन अ प्लेन जो मतिलबु आहे इन टू डायमेंशन. दिस वन इज़ अ ए वैक्टर विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ऑलवेज रिमेंबर, वी ऑलवेज डिटरमाइन, कंसिडर, find out or use the angle of a vector which is measured with respect to this positive x axis. Na khabar hai ye negative x axis hundi hai, ye negative y hundi hai, par hamesha jeka vector ji angle asa use karna ho in the resolution, this angle is always measured with respect to positive x axis, not clockwise but anti clockwise. Always remember this. So hey Tachando sir, this is a given vector, but we have to resolve this vector into two components. Tata any vector ke pehle graphically resolve kain tha, koi analytically. Haane samjhi aaya ho pehle ke graphically foran hi divide kare sakau tha. This one is x component, this one is y component. What is formed? Can I say a right angle triangle is formed? जीअं ई वैक्टर खे मां ॿिनि हिसनि में ग्राफिकली रिज़ॉल्व कयो त राइट एंगल ट्राइंगल ठही पई. राइट एंगल ट्राइंगल में एक्स कंपोनेंट बेस वारी जाइ ते आहे एंड वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर जाइ ते आहे, ऐं जेको वैक्टर गिविन हूंदो उहो हाइपोटेन्यूज़ जी जाइ ते आहे. सो वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम आर यू कैन से वी कैन अप्लाई द कोसाइन लॉ टू फाइंड आउट दीज कंपोनेंट्स. यस कंपोनेंट्स ॻोल्हे सघूं था, पर हाणे तव्हां चवंदो त असांखे पहिरियों एक्स कंपाउंड जो फॉर्मुलो ठाहिणो आहे, ॿियो वाई जो. एक्स कंपाउंड खे नालो यादि कंदा अचो पैरल कंपाउंड, वाई कंपाउंड खे ॿियो नालो सॾे सघो था परपेंडिकुलर कंपाउंड. यस दिस वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस वन इज वर्टिकल कंपोनेंट. कहिड़ा बि नाला किथे बि अचनि घबराईंदव न, बी क्लियर. के त हाणे तव्हां चवंदो हाउ केन वी डिटरमाइन द एक्स कंपोनेंट. पोइ तव्हांजे क्लास में यादि हूंदो त ॿ फॉर्मुला ठाहियासीं, फॉर
x component for y component ko x component asan ke formula thainwa analytically mana best determine karna par million chahe only hypotenuse not the perpendicular in alag asan formula thainda se to ta chondo we must use the cos theta according to trigonometry trigonometry me kedi she asan ke help kare sake di ta chondo cos theta because we have to determine the base and the hypotenuse is given base and hypotenuse both are related in which trigonometric ratio cos theta cosine theta right so can I write according to trigonometry cos theta base to hypotenuse what is base here ax what is hypotenuse here a what is the what will be the formula of x component or parallel component or horizontal component you will say sir a cos theta if the force is there fx a velocity vx v pani likhi sagoda e kede bhi vector jila asa form uthaye chha jisu very important hane ta sab hoshar thiya hundo mukhe jaldi me budhan khape for y component you will consider the ratio of sin theta yes perpendicular to the hypotenuse perpendicular se kera ay hypotenuse kera a फॉर्मूलो कहीं उठाया परपेंडिकुलर कंपाउंड जो किंतु एस साइन थीटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टुडेज आर दिस तो कहीं भी वेक्टर में कंपाउंड बोलण तो हॉरिजॉन्टल कंपाउंड में एंगल जो कॉस थीटा यूज कौ फॉर वर्टिकल कंपाउंड यू हैव टू यूज द साइन हाँ तुम चो तो फोर्स वॉज 10 एंगल वॉज 30 What is the sine cos 30? Cos 30 is 0.86. Can I say horizontal force was 8.66 newton? Mata ange chyo the force was 10. Angle 30. 30 is sine half. Half mana 5 newton. The sabit chyo the x component is vakkai jeko bhi hai that is greater than this y component. हितां भी जाहरा दिस कंपाउंड इज ग्रेटर देन वाई कंपाउंड पर कदे इफ द एंगल इज लेस देन 45 45 को घट वाली एंगल 12 जी हुई 30 हुई तेंजे कर एक्स कंपाउंड इज ग्रेटर देन वाई कंपाउंड दैट इज व्हाई दिस टॉय कार वाज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पैरेलल विद द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स ओके समझियो तो हाँ ये थीम दो सो दीज आर द कंपाउंड सो दिस इज रेजोल्यूशन हाँ मैं वरी गल तो व्हाट इज रेजोल्यूशन व्हेन एवर अ वेक्टर इज डिवाइडेड और स्प्लिट अप इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन बट रेजोल्यूशन इज एनालिटिकल प्रोसेस ये ग्राफिकली तुम समझ हो पर असल शे इंपॉर्टेंट है तो ची सोता तो रेजोल्यूशन इज एन एनालिटिकल प्रोसेस to split up a vector into its rectangular components analytically x component can determine kando with the help of this y component with the help of this this is resolution I help you kyo se I find a prove with you I taage hamesha samjhan khape angle less than 45 x component is greater angle 45 khano 45 jo cos bhi sago sin bhi sago 0.707 0.707 भाई कॉस एंड साइन सागा तो वैल्यूज भी सागा वरी एंगल 45 को मथे खणो तो हे थी वेंदो 5 हे थी वेंदो 8.66 इन जो मतलब वाई कंपोनेंट विल बी ग्रेटर देन द एक्स कंपोनेंट वो गाड़ी फर्श ते न लंदी ने टायर मथे थी वेंदा सो वेरी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लाइफ में थी दिया सो दिस इज एनालिटिकल प्रोसेस रेजोल्यूशन समझो तो हाने असा चंदा कंपोजिशन ते Look at this. Yes, my dear students, that was resolution in which we